का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हासिल करेंगे। सर, अभी जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा, लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्या माहौल कह रहा है? क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस कह रही है बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा ग्वालियर चंबल का, निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है और मुझे पूरा विश्वास है एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। सर, कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा था कि ग्वालियर का विकास जो है आप लोगों की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने आप पे जिम्मेदारी छोड़ रखी। पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, हजार बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी इन दोनों की ही चिंता।